आज सुनते हैं रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कहानी एवं कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से सूर्य भगवान की जय। रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया हर रविवार प्रातः काल उठकर नहा धोकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लिपती, फिर सूर्य देव की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं, इसीलिए पड़ोसियों के यहाँ गाय के गोबर उसे लाना पड़ता। इस प्रकार सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करने पर बुढ़िया का घर धन्य धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया के दिन फिरते देख पड़ोसन जलने लगी, तब वो क्या करती कि रविवार के दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और घर की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई न होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार वो निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसे सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध, जिस कारण वह घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई न होने के कारण ही वह भोजन नहीं बना पाई। तब सूर्य देव ने कहा कि हे माता, मैं आपको श्रद्धा व भक्ति से प्रसन्न हूँ। आपको मैं ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके यहाँ गाय देखी तो वह और भी जलने भूलने लगी। उस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है, बुढ़िया उस समय वहाँ पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और सोने के गोबर उठा ले गई। गाय हर रोज सूरज उगते से पहले गोबर करती, पड़ोसन उठा ले जाती। बुढ़िया को यह पता नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर हो गई। अब सूर्य देव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेजी आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है, फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन न हुआ और उसने राजा को बता दिया कि एक बुढ़िया के पास सोने का गोबर करने वाली गाय है। पहले वह हैरान हुए, लेकिन बुढ़िया को चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का हुक्म दिया। सैनिक गाय ले आए, तब देखते ही देखते गोबर सारा महल भर गया, हर और बदबू फैल गई। राजा को सपने में सूर्य देव दिखाई दिए और कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस वृद्धा के लिए है। वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा को तुरंत जाग आ गई और उसने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक वापस भेजा। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही वे पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी। वह सूर्य देव की पूजा करेगी। रविवार के व्रत में उसका राज्य धन्य धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में सुख शांति रहने लगी। मान्यता है कि इस उपवास को करने से उपासक जीवन पर्यंत तमाम सुखों को भोगता है। वह मृत्यु पश्चात सूर्य लोक में गमन कर मोक्ष को पाता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान की आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से सूर्य भगवान की जय। जय कश्यप नंदन स्वामी, जय आदित्य नंदन त्रिभुवनेति मेरे निकंदम,
तिरुभुवनेति मरिनी कंदन भक्ति हृदय चंदन जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन शक्ति अस्त्रथि राजित एक चक्रधारी स्वामी एक चक्रधारी दुखी हारी सुखकारी दुखी हारी सुखकारी मानस मलहारी जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन सूर्य मुनि भूषुर वंदित विमल विशाली स्वामी विमल विशाली अधि दल दनल दिवाकर दिव्य किरण माली जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन सकल सुकर्म प्रसाविता सविता शुभकारी स्वामी सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भवि बंधन भारी जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन कमल समूह विकाशक नाशक तैतापा स्वामी नाशक तैतापा सेवति सहज हरति अति सेवति सहज हरति अति मनसिति संतापा जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन नेत्र बधा बिहरि सुवर भूपिरहारी स्वामी भूपिरहारी बिष्टि विलोचन संतति बिष्टि विलोचन संतति परिहित भद्रधारी जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन सूर्य देव करुणा करे अब करुणा कीजे स्वामी अब करुणा कीजे हरि अज्ञान मोह सबे हरि अज्ञान मोह सबे तो ज्ञान दीजे जय कश्यप नंदन स्वामी जय आदित्य नंदन। तो एक बार बोलिए प्रेम से सूर्य भगवान की जय।